राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आयकर विभाग ने 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की जीत। हीरो बने सचिन पायलट ने अब सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। पायलट के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। कांग्रेस ने सोमवार को विधायक दल की होने वाली बैठक के लिए व्हिप जारी कर रखा है। ऐसे में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक में बैठक में नहीं शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। शहरी इलाकों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। फिलहाल नागपुर में कोरोना के कुल 2283 मरीजों में से 329 यानी 14.4% ग्रामीण इलाकों में है। इनमें SRPF और कैंट कामठी के मरीज भी शामिल। सावनेर थाना अंतर्गत धापेवाड़ा में शनिवार को देर रात अपराधियों ने ATM मशीन फोड़कर लाखों रुपयों की राशि उड़ा ली। इस घटना से पूरे इलाके में खलबली मची हुई है। सावनेर कलमेश्वर रोड पर धापेवाड़ा में पेट्रोल पंप है, यहीं पर बैंक ऑफ इंडिया का ATM स्थापित है। शनिवार रविवार की मध्यरात्रि करीब 2 बजे चोरों ने गैस कटर से मशीन को काट कर इसमें 10,60,000 रुपए लूट लिए। सावनेर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लंबे समय के लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार की ओर से मिशन बिगिन अगेन अभियान को शुरू किया गया। करीब 4 दिनों से बारिश नहीं होने से सिटी में गर्मी के साथ ही उबाल देने वाले उमस हलाकान कर रही है। मौसम विभाग ने जिले के अधिकांश भागों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन उसका अनुमान बीते कुछ दिनों से मौसम ने फेल कर रखा है। स्टेशन पर रविवार को 02692 दिल्ली बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस में 29 वर्षीय कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं ट्रेन 02592 बंगलुरु दानापुर संघमित्रा एक्सप्रेस से 19 वर्षीय यात्री को कोरोना संदिग्ध के रूप में नागपुर स्टेशन उतारा गया। दोनों को मेयो में भर्ती कर दिया गया है। शहर के निजी अस्पतालों के संचालकों और डॉक्टरों को धमकाने का काम साहिल सैयद बड़ी ही शातिर तरीके से करता था। इसमें पूरा साथ मिला और मनपा के अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण घंटावार का। घंटावार को साथ लेकर साहिल अस्पतालों में स्टिंग ऑपरेशन करके डॉक्टरों को धमकाता था। उसके कहने पर मनपा द्वारा निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाती थी। हाल ही में एलेक्सिस अस्पताल के डॉक्टरों को धमकाए जाने का एक मामला साहिल के खिलाफ मानकापुर थाने में दर्ज हुआ है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें घंटावार भी दिखाई दे रहे हैं। जिला परिषद कर्मचारियों के हर वर्ष 20% तबादले किए जाते हैं। इस वर्ष मात्र 15% कर्मचारियों का तबादला प्रक्रिया होगा। हालांकि सरकार तबादले करना नहीं चाहती थी, लेकिन दबाव में आकर आखिरकार यह निर्णय लेना पड़ा। जिला परिषद के खेड़कर सभागृह में समुपदेशन के माध्यम से तबादले किए जाएंगे। पंचायत समिति स्तर पर तबादला प्रक्रिया संबंधित पंचायत समिति कार्यालयों के समुपदेशन के माध्यम से की जाएगी।